निर्दलीय प्रत्याशी जो रविंदर सिंह को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से जो धमकियां मिल रही है, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी को सुरक्षा देने की मांग को लेकर सायला में सौंपा ज्ञापन। सायला उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को क्षेत्रवासियों की ओर से शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी को सुरक्षा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी तारा चंद वैकंठ को सौंपा ज्ञापन, जिसमें बताया कि भाटी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके कई विरोधी तैयार हो गए हैं। भाटी ने लोकसभा चुनाव भी निर्दलीय लड़ा है। चुनावों के बाद कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। धमकियों में जनमानस में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर सायला क्षेत्रवासियों ने रविंदर सिंह भाटी को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं बालोतरा में आरोपियों पर कार्रवाई की भी की मांग। सायला में उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में चांसौर जिले हाल बालोतरा निवासी प्रताप दान चारण के साथ धारदार हथियार से घायल करने को लेकर उचित निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। वहीं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही प्रताप दान द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा जांच नहीं करने को लेकर आक्रोश जताकर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान मनोहर सिंह सोडा, परबत सिंह पोषाणा, भंवर सिंह मोकनी, तन सिंह सोडा, दलपत सिंह, भवानी सिंह देता, शैतान सिंह पूर्व उप सरपंच, विक्रम सिंह दहिया, ओम सिंह, समुद्र सिंह देता, चंद्रवीर सिंह, नरेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह आकवा, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट इंद्र सिंह, समुद्र सिंह, नारायण सिंह, भरत सिंह चौहान, भूपत सिंह, प्रेम सिंह, रणजीत सिंह राठौड़, नारायण देवासी, सोहन दर्जी, सुजाना राम देवासी, हरी सिंह दहिवा, भान सिंह, उमेद सैन, मदन सैन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी जो रविंदर सिंह को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से जो धमकियां मिल रही है, और इसलिए हम सायला में SDM साहब को ज्ञापन दिया है। आने वाले वक्त में अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उसके साथ में और भी हमने ज्ञापन दिया है। प्रहलाद दान जी चारण जो बालोतरा में घटना घटी है, प्रताप दान जी चारण है उनके साथ में जो घटना घटी है, मतलब सिर कलम करने जैसे ऐसा व्यवहार किया गया है, तो उनको भी न्याय के लिए हमने ज्ञापन दिया गया है, और जल्द से जल्द सरकार ये मांग माने, सुरक्षा दी जाए, और प्रताप दान जी जो कल जो घटना हुई है प्रताप दान जी के साथ में, उसको न्याय दिया जाए। ये है कि हमारे जो समाज के उभरते हुए एक विधायक है शिवसेना रविंद्र सिंह पाटिल, उनके जो ज्ञापन दिया गया है कि उसकी सुरक्षा दी जाए, और जो कल एक जिन्होंने जो हरकत हुई है इसके विरुद्ध में हमने उसकी सुरक्षा के लिए और उसके परिवार के रक्षा के लिए हमने ज्ञापन दिया। हम सरकार जल्द से जल्द उनको सुरक्षा दे और जितना हो सके उसके परिवार को और उनके हथियारों को, जितने भी उनके घटना की है उसको मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।